हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देख रहे हैं आईपीएल के तीसरा दिन का मैच। आज एक मैच होने वाला है, सॉरी ये चौथा दिन है क्योंकि आज हम मंडे देख रहे हैं। आज का मैच है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स। हम ये मैच देख रहे हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलेंगे फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, और पंजाब की तरफ से खेलेंगे शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो। पिच आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत ड्राई नज़र आ रहा है, और कल के मैच में हमने दिखाया था कि हमारे गेम प्ले में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, और आज असली में राजस्थान रॉयल्स ने ही जीता है। तो हमारे मैच को फॉलो करते रहिए। पंजाब ने टॉस कर दिया है और पंजाब ने यहाँ पे हेड बोला है, देखते हैं क्या आता है। पंजाब ने टॉस को जीत लिया है। पिच कंडीशन 1 किलोमीटर का हवा है और पंजाब ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, आपको पहले से ही अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है, और इससे आप लोगों को नोटिफाइड भी रहेंगे। शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो आने वाले हैं बैटिंग के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिखर धवन स्ट्राइक पे आ चुके हैं, जॉनी बेयरस्टो नॉन स्ट्राइक में। सिराज स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसका बॉलिंग घुमा के खेला है, मिलेगा 4 रन। पंजाब ने अपने खाता खोला 4 रन के साथ। सिराज का दूसरा बॉल प्लेस किया अच्छे से, मिलेगा 1 रन, और इस तरह से स्ट्राइक को रोटेट किया है। जॉनी बेयरस्टो भी फेस करेंगे मोहम्मद सिराज को इस ओवर के तीसरे बॉल में। ये एक विदेशी बल्लेबाज है, ये गेम हम लोग 5 ओवर्स का खेलने वाले हैं, इसी से आप लोगों को सिमुलेट कर पाएंगे। अच्छा शॉट लगा है, मिलेगा 4 रन। बेयरस्टो भी आके एक बहुत ही अच्छा शॉट लगा चुके हैं। सिराज का चौथा बॉल स्ट्राइक में, जॉनी बेयरस्टो अच्छे प्लेसमेंट, फील्डर वहां पे मौजूद है, 1 रन मिलेगा, अच्छी फील्डिंग। पहले ओवर के 5वीं गेंद स्ट्राइक में है जॉनी बेयरस्टो, कवर ड्राइव शॉट, कोई रन नहीं। फील्डर ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा फुर्ती दिखा के बॉल को रोक लिया है। पहले ओवर के आखिरी गेंद स्ट्राइक में बेयरस्टो फिर से, एंड बोल्ड, क्लीन बोल्ड, यू मिस आई हिट। सिराज का बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, क्लीन बोल्ड। जॉनी बेयरस्टो 4 बॉल में 6 रन बना के पवेलियन की तरफ वापस जा रहे हैं। लियम लिविंगस्टोन आ रहे हैं बैटिंग के लिए, इनका स्ट्राइक रेट है 300, तो इनसे हम लोग काफ़ी अच्छे शॉट्स का अंदाज़ा कर सकते हैं। अलजारी जोसेफ आए हैं राजस्थान की तरफ से, बैंगलोर की तरफ से बॉलिंग के लिए। पंजाब ने एक ओवर में बनाया है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट लगा है, आके ही मिलेगा 4 रन। अलजारी जोसेफ का स्वागत किया है 4 रन के साथ। शिखर धवन अपना हाथ खोल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा हाइट में बॉल था, घुमा के मारा है, मिलेगा 4 रन, 1 बाउंस चौका। कीपर के सिर के ऊपर से लगा दिया है चौका।
ये मैच हम लोग देख रहे हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एम करते हैं 100 लाइक्स के। जोसेफ का तीसरा बॉल, अच्छा शॉट एंड कॉट आउट। फील्डर वहाँ पे मौजूद थे और बॉल आके पूरे फील्डर के हाथ में थमा है। बहुत ही अच्छा कैच, शिखर धवन ने अच्छा शॉट लगाने का कोशिश किया था पर यहाँ पे कॉट आउट हो चुके हैं। कैप्टन काफ़ी खुश है इस परफॉर्मेंस से। शिखर धवन 5 बॉल में 13 रन बना के वापस जा रहे हैं। सैम करण आ रहे हैं बैटिंग के लिए, ये काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज हैं और 1 ओवर 3 बॉल में पंजाब ने बनाए 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अलजारी जोसेफ डाल रहे हैं अपना 4th बॉल, एज कोई रन नहीं। ये थोड़ा सा उल्टा शॉट हो गया, बैट घूम के लगाया बॉल में, ये आउट भी हो सकते थे। इनका लक आज इनका साथ दिया है। दूसरे ओवर का 5वां गेंद, अच्छी प्लेसमेंट, कोई रन नहीं। अलजारी जोसेफ काफी खुश नजर आ रहे हैं। ओवर के आखिरी गेंद, कवर ड्राइव शॉट, कोई रन नहीं। पंजाब ने अपना दूसरा ओवर खत्म किया 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रीस स्टॉप लिया है बॉलिंग के लिए, पावर प्ले भी खत्म हो चुका है, 2 से ज्यादा फील्डर्स बाहर जा सकते हैं। स्ट्राइक में आ चुका है लियम लिविंगस्टोन, कवर ड्राइव शॉट, कोई रन नहीं। सेकंड बॉल, फिर से कवर ड्राइव का कोशिश, मिलेगा 4 रन। बिल्कुल गैप में खेल दिया है, दोनों फील्डर के बीच से जा रहा है ये बॉल और मिलेगा 1 बाउंड्री। फिर से स्ट्रेट शॉट खेला गया है, फील्डर वहां पे मौजूद है, मिलेगा 1 रन। ये पिच को अच्छे तरह से देख रहे हैं कहाँ पे कौन से फील्डर खड़े हुए हैं, जिससे कि इन्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाए सैम करण को। अच्छा शॉट, हाथ खोल कर खेला है, फील्डर वहाँ पे मौजूद हैं, मिलेगा 1 रन। सैम करण ने 4 बॉल खेल के बस 1 ही रन बनाया है, आप इनसे थोड़ा बहुत बड़े शॉट्स की उम्मीद कर सकते हैं। पंजाब को अपने रन की गति को तेज़ करना पड़ेगा वरना ये पीछे आ जाएंगे। हम लोग पूरा आईपीएल को सिमुलेट करेंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। पूरा मैच हम लोग देखेंगे, किस दिन कौन सा मैच हो रहा है हम लोग सब कुछ करेंगे। यहाँ पे अंपायर से वाइड का इशारा आ सकता है, अंपायर ने कर दिया वाइड का इशारा, मिलेगा 1 रन और साथ में इन्होंने वार्निंग भी दे दिया है। टॉपली को यह बॉल फिर से डालना पड़ेगा। उठा के खेला है, फील्डर मौजूद है, स्ट्राइक रोटेशन हो चुका है, स्ट्राइक में आ चुके हैं लियम लिविंगस्टोन। सैम करना है स्ट्राइक में, टॉपली डाल रही इस ओवर की आखिरी गेंद, अच्छा स्विंग का प्रदर्शन, कोई रन नहीं।
लॉकी फर्ग्यूसन आए हैं बॉलिंग के लिए। ये कोलकाता में ज़्यादातर नज़र आते हैं, पर इस साल इन्हें बैंगलोर ने खरीदा है। तीसरे ओवर खत्म होने के बाद पंजाब ने बनाया 27 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। उठा के खेल दिया है, मिलेगा 6 रन। बिल्कुल पैर के सामने बॉल था, अच्छा शॉट का प्रदर्शन किया है, मिलेगा 6 रन। शॉट सिलेक्शन काफ़ी अच्छा था, 93 मीटर्स का बहुत ही बड़ा छक्का। फर्ग्यूसन का दूसरा बॉल, चौथे ओवर का दूसरा बॉल, कोई रन नहीं। लिविंगस्टोन ने 6 बॉल खेल के बनाए हैं 12 रन, देखते हैं इस बॉल में क्या होता है। अच्छा शॉट खेला है, वहाँ पे फील्डर मौजूद हैं। लॉकी फर्ग्यूसन का चौथा बॉल, सैम करन है स्ट्राइक में, अच्छा शॉट लगाया है, फील्डर वहाँ पे मौजूद है, मिलेगा 1 रन। हम अभी देख सकते हैं कि हर ओवर में सिर्फ एक ही बड़ा शॉट आ रहा है, बाकी के शॉट सब सिंगल्स या फिर डबल्स है। उठा के खेल दिया है, कोई मौजूद नहीं, मिलेगा 4 रन। शायद ये हमारे कमेंट्री को सुन पा रहे हैं, इसीलिए बताने की बात ही इन्होंने 2 फील्डर के बीच से लगा दिया 1 चौका। चौथे ओवर खत्म होने के बाद पंजाब ने बनाया है 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से मिलेगा 1 और चौका, बैक टू बैक 2 फोर्स। क्रिस जॉर्डन आए हैं 5वें ओवर को डालने के लिए, ये इस इनिंग्स का आखिरी ओवर होने वाला है। स्ट्राइक में सैम करन, जिस गति से रन्स बन रहे हैं उससे हम लोग आशा कर सकते हैं कि 53 का टारगेट आ सकता है। यहाँ पे कोई नहीं मौजूद है, मिलेगा 4 रन। आते ही क्रिस जॉर्डन का स्वागत किया है 4 रन के साथ। सैम करन काफ़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, शॉट सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, बस दिशा दिखाया है बॉल को। कवर ड्राइव, कोई रन नहीं। हमें एक और चीज़ देखने को मिल रहा है कि जब भी ये लोग कवर ड्राइव शॉट का कोशिश कर रहे हैं तब फील्डर्स इन्हें रोक रहे हैं, तो इन्हें कुछ और अच्छे शॉट्स दिखाने पड़ेंगे। शायद अगर हाथ खोल के खेले तो ज़्यादा रन बन सकते हैं, क्योंकि अभी इनके पास बॉल भी ज़्यादा मौजूद नहीं है, बस 4 ही बॉल्स बाकी है। इन 4 बॉल में इनको जो भी करना है वो सब दिखाना पड़ेगा। क्रिस जॉर्डन का तीसरा बॉल, अच्छा शॉट लगाया है, 1 बाउंस चौका। इस ओवर में 2-4 हमने देख लिया है, तो ये ओवर काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित हो सकता है बैंगलोर के लिए। क्रिस जॉर्डन ज़्यादातर पंजाब में रहते हैं, इस साल इन्हें बैंगलोर ने लिया है, तो टीम्स में भी बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। घुमा के मारा है, फिर से मिलेगा 4 रन, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज। क्रिस जॉर्डन अपने आप से खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आ चुके हैं इस ओवर में, 4 बॉल में 12 रन ये दे चुके हैं। पंजाब ने अपना स्कोर बना लिया है 55 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर।
बड़े शॉट का कोशिश था पर मिलेगा एक रन, डाइव से अपना एक रन कंप्लीट किया। अब आ रहा है आपके लिए इस इनिंग्स की आखिरी गेंद। स्ट्राइक में है लियम लिविंगस्टोन, जिन्होंने 9 बॉल में 21 रन बनाया है। कब स्ट्रेट ड्राइव पर कोई रन नहीं। इसी के साथ पंजाब अपना इनिंग्स ख़त्म कर रहा है 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बैंगलोर को बनाना है 57 रन 30 बॉल में। सैम करन और लियम लिविंगस्टोन वापस जा रहे हैं पेविलियन की तरफ। लियम लिविंगस्टोन ने 10 बॉल में 21 रन बनाया है और सैम करन ने 11 बॉल में 15 रन बनाया है। टोटल 56 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अभी बैंगलोर को बनाना है 57 रन 30 बॉल में, यानी कि 5 ओवर्स में। फैब डुप्लेसी आ रहे हैं स्ट्राइक पे। सिकंदर राजा आए हैं बॉलिंग के लिए। इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा था पिछले मैच में। विराट कोहली खड़े हुए हैं नॉन स्ट्राइक में। फील्डर ने रोक लिया है, कोई रन नहीं। फैब डुप्लेसी थोड़ा बहुत कर रहे हैं अपना योगा वार्म अप कर रहे हैं। कुछ बड़े शॉट्स लगाने का प्लान चल रहा है शायद। राजा का दूसरा गेंद, बड़े शॉट खेलने का कोशिश था पर यहाँ पे स्टंपिंग हो सकता है। अंपायर ने रिव्यू मांगा है थर्ड अंपायर से। यह नॉट आउट है, कोशिश काफ़ी अच्छा था पर आउट नहीं कर पाए। यह नॉट आउट है। फाफ डुप्लेसी ने काफ़ी अच्छा फुर्ती दिखाया है और यहाँ पे डिसीजन पेंडिंग है। थर्ड अंपायर अपना कन्फर्मेशन दे चुके हैं नॉट आउट। काफ़ी तेज़ी दिखाया था पंजाब के कीपर ने। फाफ डुप्लेसी थोड़े बहुत चौकन्ने नज़र आएंगे इन बॉल्स से। बड़े शॉट का फिर से कोशिश पर कोई रन नहीं। सिकंदर राजा ने रोक के रखा है फाफ डुप्लेसी को। 3 बॉल जा चुके हैं अभी तक। बैंगलोर ने अपना खाता नहीं खोला है। एक प्रेशर रिलीज शॉट आ सकता है। उठा के खेल दिया है, मिलेगा 6 रन। छक्के के साथ फैब डुप्लेसी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपना खाता खोला है। हमें लग ही रहा था कि जब 3 बॉल्स जा चुके हैं तब एक प्रेशर रिलीज शॉट तो आ ही सकता है। और इसी के साथ फैब डुप्लेसी और बैंगलोर ने अपना खाता खोला है 6 रन के साथ। 112 मीटर्स का बहुत ही बड़ा छक्का यहाँ पर फैब डुप्लेसी ने लगाया है। LBW का अपील, अंपायर ने उंगली उठा दिया है। देखते हैं ये लोग रिव्यू लेते हैं कि नहीं। पंजाब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और इन्होंने रिव्यू नहीं लिया है। विकेट्स के सामने इनका राइट लेग था और यहाँ पे फाफ डुप्लेसी वापस जा रहे हैं 5 बॉल खेल के बस कुछ ही रन बना के। ग्लेन मैक्सवेल आ चुके हैं स्ट्राइक में। बैंगलोर को चाहिए 25 बॉल में 51 रन। बड़ा शॉट खेलने का कोशिश पर कोई रन नहीं। 1 ओवर ख़त्म होने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बनाए 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली अभी आ चुके हैं, ये इस टीम के कैप्टन भी है। ये कैप्टन रहते थे पिछले टाइम में, अभी फैब डुप्लेसी कैप्टन है। देखते हैं जब कैप्टन से इन्हें हटाया गया है तो थोड़ा बहुत फ्री होके ये अभी खेल पाएंगे। कागेश्वर अबड डाल रहे हैं अपना पहला बॉल। अच्छा शॉट, हाथ खोल के खेलने का कोशिश। फील्डर्स भाग रहे हैं बॉल की तरफ। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे रन चुरा लिया है और फील्डर ने भी अपनी टीम के लिए कुछ रन तो सेव किया है। विराट कोहली अपने पास स्ट्राइक को रखे हैं, 2 रन इन्होंने अभी ले लिया है।
रबाडा का दूसरा बॉल, फिर से अच्छा शॉट खेलने का कोशिश, गैप में मारा है, मिलेगा 4 रन। गैप ढूंढ के एक बहुत ही अच्छा बाउंड्री लगा दिया है यहाँ पे विराट कोहली ने, विराट कोहली। अपना रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे ला रहे हैं विराट कोहली, फेस कर रहे हैं इस ओवर का तीसरा गेंद, उठा के मारा है, मिलेगा 4 रन। कीपर के सिर के ऊपर से लगाया है चौका। इस ओवर में बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आ चुके हैं और 3 बॉल में 10 रन बन चुके हैं। 6 शॉट, फिर से गैप में मारा है, फील्डर वहां पे मौजूद है। विराट कोहली स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं, दूसरे तरफ पे हैं ग्लेन मैक्सवेल। 20 balls, 40 runs रिमेनिंग, हर एक बॉल में अगर 2 रन्स बनते हैं तो फिर जीतने का एक चांस हो सकता है। फ्रंट फुट में मिलेगा 4 रन। फ्रंट फुट में आके यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल ने पहले अपना जगह बनाया, फिर लगाया है एक चौका। कगिस और रबाडा के ओवर में 5 बॉल में 15 रन बन चुके हैं, डालेंगे दूसरे ओवर के आखिरी गेंद। बहुत ही अच्छा स्विंग, कोई रन नहीं। पावर प्ले ख़त्म हो चुका है और अर्शदीप सिंह आ रहे हैं पावर प्ले के बाद वाले ओवर डालने के लिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। आरसीबी ने बनाया है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक में विराट कोहली, अर्शदीप सिंह डाल रहे हैं अपना पहला बॉल। हेज शॉट, कीपर के हाथों में बॉल, कोई रन नहीं। Seventeen balls, 36 runs remaining. तेजी से रन बटोरने पड़ेंगे अगर आरसीबी को इस मैच को जीतना है तो। गैप में मारा है, फील्डर मौजूद है, मिलेगा 1 रन। स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट किया, ग्लेन मैक्सवेल को दिया स्ट्राइक। अंपायर ने हाइट का इशारा कर दिया है, एक वार्निंग दिया गया है बॉलर को। यहाँ पे अंपायर से वाइड का इशारा आ सकता है और हाँ, अंपायर ने दे दिया है वाइड का इशारा और हाइट का फिर से एक वार्निंग दिया है। अर्शदीप सिंह को यह बॉल फिर से डालना पड़ेगा। आरसीबी को मिल गया है एक और एक्स्ट्रा रन। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद है, फिर से स्ट्राइक को रोटेट किया गया है। विराट कोहली आ चुके हैं स्ट्राइक में। फील्डर्स आरसीबी को रोक के रखे हैं, पंजाब के फील्डर्स काफ़ी अच्छा फुर्ती दिखा रहे हैं और इन्हें रोक रहे हैं। मैच थोड़ा सा कठिन होने की तरफ जा रहा है, कुछ बड़े शॉट हमें अभी देखने चाहिए। कवर ड्राइव दोनों फील्डर के बीच से, 4 रन नहीं मिला है, फील्डर ने यहाँ पर रोक लिया है। काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला ये फील्डर्स हैं पंजाब किंग्स के। विराट कोहली थोड़ा बहुत अचंभित नज़र आ रहे हैं कि ये कैसे हो गया। इस ओवर में 4 बॉल में सिर्फ 5 रन्स बने हैं। एज शॉट, फील्डर वहां पे मौजूद है, फिर से मिला है 1 रन। अर्शदीप सिंह काफ़ी किफ़ायती साबित हो रहे हैं पंजाब किंग्स के लिए। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, टॉट बॉल।
तीन ओवर ख़त्म होने के बाद इस ओवर से सिर्फ और सिर्फ 6 रन आए हैं। आरसीबी के लिए टारगेट डिफेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्रिस वोक्स आए हैं बॉलिंग के लिए, ये राइट आर्म फास्ट बॉलर है। आरसीबी ने 3 ओवर ख़त्म होने के बाद सिर्फ 27 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। वाइड बॉल, अंपायर ने एक हाइट का वार्निंग भी दे दिया है। इन एक्स्ट्रा से विराट कोहली का थोड़ा बहुत मनोबल बढ़ सकता है कि पंजाब के बॉलर्स कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। बहुत ही गलत शॉट का सिलेक्शन और कोर रन नहीं मिला है। विराट कोहली को अभी कुछ तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। चौथा ओवर चल रहा है और ऐसे चलता रहा तो जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पंजाब के फील्डर्स इनको रोक के रखे हैं, बांध के रखे हैं। 11 बॉल में 29 रन का ज़रूरत है। आरसीबी के फैंस कमेंट करो, उठा के खेल दिया है, मिलेगा 6 रन। ये एक कंप्लीट प्रेशर रिलीज शॉट था, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा था कि ये कुछ बड़े शॉट्स नहीं लगा पा रहे थे और इसीलिए इन्होंने प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। 97 मीटर्स का एक बहुत ही बड़ा छक्का लगा दिया है। फिर से उठा के खेल दिया है, फिर से मिलेगा 6 रन। बैक टू बैक 2 सिक्सेस आ चुके हैं। अब आएगा मज़ा, अब देखने को मिल रहा है अच्छा गेम। बैक टू बैक विराट कोहली ने 2 छक्के लगा दिया है और इसी तरह से अपने रिक्वायर्ड रन रेट को बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ खींच के ला रहे हैं। 105 मीटर्स का बहुत ही बड़ा छक्का हमें यहाँ पे देखने को मिला है विराट कोहली के बैट से। इस ओवर का चौथा बॉल उठा दिया है, फिर से एक छक्का। यहाँ पे तो छक्कों का हैट्रिक हो चुका है, 6-6-6, बैक टू बैक 3-6। ये ओवर काफ़ी महंगा साबित हो रहा है पंजाब के टीम के लिए। आठ बॉल में सिर्फ 11 रन का ज़रूरत है। अच्छा शॉट लगा है, फील्डर मौजूद है और स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट किया है। 5 बॉल में 20 रन आ चुके हैं। ये ओवर सबसे महंगा साबित हुआ है पंजाब की टीम के लिए। चौथे ओवर की आखिरी गेंद उठा के मारा है, मिलेगा 4 रन। फील्डर यहां पे रोकने में नाकाम हो गए, अंपायर ने एक हाइट का इशारा कर दिया है। सैम करना है बॉल डालने के लिए, ये एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर हैं, पंजाब के लिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं इस साल। लास्ट ओवर में पूरा गेम बदल चुका है, सिर्फ 6 बॉल में 6 रन का ज़रूरत है। स्ट्राइक में विराट कोहली, कवर ड्राइव शॉट, कोई रन नहीं। पूरा गेम बदल चुका है चौथे ओवर में। 4 ओवर्स ख़त्म होने के बाद आरसीबी ने बनाया 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उठा के खेल दिया है, मिलेगा 6 रन। और इसी के साथ विराट कोहली और आरसीबी ने अपने टारगेट को बहुत ही अच्छे से अचीव कर लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस मैच को जीत चुके हैं 9 विकेट्स के साथ। बहुत ही बड़ा जीत यहां पे हमें देखने को मिला है और विराट कोहली से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहां पे हमें देखने को मिला है। विराट कोहली ने सिर्फ 15 बॉल में बनाए 40 रन, ग्लेन मैक्सवेल ने 6 बॉल में बनाए 9 रन और फैफ डु प्लेसिस ने बनाए 5 बॉल में बनाए 6 रन। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है विराट कोहली। हम आपसे मिलते हैं कल के दूसरे IPL मैच में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।